साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों मोबाइल की स्क्रीन पर जो आप तस्वीरें देख रहे हो, बाड़मेर के राजकीय अस्पताल की तस्वीरें दिखा रहा हूं। साथियों मामला क्या है, पूरा जानकारी के साथ आपको बता देता हूं कि कल रात को, शनिवार रात्रि को न्यू क्वास मगरी पर मिश्राराम और प्रकाश दोनों के बीच कुछ पैसों को लेकर अनबन हुई। अनबन के बाद थोड़ी ही देर बाद बताया जा रहा है कि मिश्राराम की तबीयत खराब हुई। तबीयत खराब होने के बाद उसे उपचार के लिए राजकीय अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टर ने मिश्राराम को मृत घोषित कर दिया। उनके परिजनों ने हत्या की रिपोर्ट भी दी है। ग्रामीण पुलिस मौके पर पहुंची है, ग्रामीण SHO स्वाई सिंह से बात भी हुई है, उन्होंने पूरी जानकारी दी है, पूरा मामला बताया है। क्या मामला है साथियों, उनसे सुनिए। उससे पहले इस तस्वीरों को देख लीजिए, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद। और क्या कहते हैं ग्रामीण SHO और मिश्री मल के पुत्र? अक्रम युवक की मौत, क्या मामला था, परिजनों ने क्या रिपोर्ट दी? रात को हमें थाने पर सूचना मिली थी करीब 8:30-9 करीब के, एक आपस में सत्यम सिटी में वहाँ झगड़ा हो रहा है। पुलिस मौके पर गई थी, दोनों पक्ष वहाँ मौजूद थे। फिर वहाँ से इनकी मृतक जो मिश्रा की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब होने लगी थी, तो उनके परिजन यहाँ हॉस्पिटल लेके आए, तो यहाँ देखा तो डेथ हो चुकी थी। तो परिजन इनके मृतक के लड़के के द्वारा रिपोर्ट दी गई हत्या के संबंध में, तो प्रकरण दर्ज करके इसकी पोस्टमार्टम की कार्रवाई करवाई जा रही है। सर मामला क्या बताया जा रहा है? मामला इन्होंने बताया कि कोई पैसे का कोई पुराना लेन देन था, इस बात को लेकर इनके कोई उनका जो अपराधी पक्ष का कहना कि मैं जा रहा था, मेरे साथ हाथापाई करी। इनका जो मर्त्य पक्ष था, इनका कहना था कि वो पैदल जा रहा था, तो उसके साथ मारपीट की, तो पुलिस इन बच्चों पर तफ्तीश कर रही। सर कितने जनों के खिलाफ रिपोर्ट दी है? इन्होंने नामजद 5 आरोपियों के खिलाफ दी है और अन्य बताए, 2-3 अन्य। तो पुलिस मौके पर पहुंची थी कि उन परिजनों का आरोप है कि वो बांधा हुआ था, बांध के मारपीट की। पुलिस पहुंची जब वहाँ मौके पर बंधे हुआ नहीं था, उससे पहले कोई घटनाक्रम इस टाइप का हुआ तो उसकी जांच की जा रही है। तो अब इनकी क्या मांग है, बाहर बैठे इन लोगों? इनकी तो अभी पोस्टमार्टम के लिए बात चल रही है, जो अभी वो आपस में इनके विचार विमर्श हो रहा है, इनके दोनों पक्षों का आपस में क्या तय होता है उसके बाद अगली कार्रवाई। ठीक है, धन्यवाद सर। और भैया क्या नाम है, आपकी घटना हुई थी, क्या घटना हुई थी और आपकी क्या लगती थी? मेरा नाम शिवलाल, पिताजी का नाम मिश्राराम जी, रेवा से न्यू क्वास। शाम के टाइम खाना वगैरह खाने के बाद क्या जॉगिंग जाते पहाड़ रामलीला का वापस आ रहे थे, ये प्रकाश जी बागसिंह जी की सत्यम सिटी जा रहे थे बाइक लेके, स्कूटी पे, स्कूटी चला चला अंदर डाल दी, चलते चलते चलाते अंदर डाल दी, इसलिए थोड़ा हाथापाई हुई वहाँ से। फिर 4 दिन और थे, एक पिताजी थे तो पकड़ के अंदर लेके जाके मंदिर के सामने उधर बांध लिया रस्से से। फिर थोड़ी देर बाद रवि नाम करके मामा लगता मेरे, उन्होंने मुझे कॉल किया कि शिवलाल कहाँ है, तो मैं इधर ही हूँ, तो क्या इधर आना थे, पिताजी को बांध के रखा है मंदिर के पास। तो फिर मैं दुकान से सीधे आया उधर, उधर आके मैं और मेरे मामा दोनों गए अंदर, तब रस्से से पूरे बांध के रखे थे। फिर उन्होंने सीधा जाके मैंने कॉल, मैंने पहले बाद में करेंगे, पहले रस्सी खोलो इनकी। तो उन्होंने रस्सी पहले बात करते बाद नहीं, मैंने कहा पहले रस्सी खोलो, फिर रस्सी खोली उन्होंने, रस्सी खोल के फिर बोला, मैंने कहा इनका थोड़ा हार्ट का समस्या है, मैंने दिखाने के लिए थोड़ा हॉस्पिटल जाता, तो नहीं पहले फैसला होगा यहीं फिर हॉस्पिटल लेके जाएंगे। फैसला वही बांध के रखा ना थोड़ा, फिर थोड़ा हाथापाई होगी आपस में, इसकी वजह से बोल फैसला होने दे, उसके बाद ही यहाँ से लेके जाना, वरना जाने नहीं देंगे कि बदला लेंगे वापस मार के। हाँ लेन देन का भी था, और पहले 2013 में पैसे दे रखे थे इधर से समथिंग 10 लाख रुपए, उसमें से 4 लाख दिए, बाकी वाले दिए नहीं। फिर पंचायती भी हुई थी एक बार सब मिला के, उसमें से फिर आधा दूरा दिया, आधा बोला है कि बाद में होगा तो दे दूँ बाद में। फिर समथिंग अभी मांगा था शादी के, सिस्टर की शादी के टाइम, शादी के टाइम बोला कि अभी मेरे पास पैसा है नहीं, तुम्हें जो करना है जो काट लूँ मैं, इतना बोल के फिर पापा ने वो थोड़ी बोलचाल हुई थी उस टाइम। फिर वापस बोला अभी 20 में, अभी शाम के टाइम है ना, रात के 8:30 बजे अभी, तो कल की बात है, उससे थोड़ा झगड़ा हो गया था, इसकी वजह से वापस बात यही होने लगी। सिस्टर की होगी समथिंग 10 महीने। 10 महीने
पुलिस ने आपको पुलिस ने क्या रिपोर्ट दी आपने क्या कहा पुलिस ने अंदर रिपोर्ट रात को लिखा के आए थे वहाँ से जो चलते बाइक के समय बीच में बाइक डालती थी पिताजी के अंदर स्कूटी पे आ रहे थे तभी पैदल आ रहे थे जॉगिंग करके वापस स्कूटी से अंदर डाल दी इसके वजह आता भाई होने से उन्हें चार दिन और थे और एक प्रकाश जी भक्सन जी के पकड़ के अंदर लेके जाके बांध के रख दिया हाँ पैसे उस टाइम में व्यवहार कर अभी व्यवहार क्यों नहीं कर रहे काफ़ी टाइम हो गया अभी 2013 में दे रखे 2023 चल रहे इसके थोड़ा बहुत उसमें पकड़ के अंदर ले गए बहुत दिया फिर उधर ही बांध दिया मंदिर के सामने फिर आपस में मारपीट भी की उधर बांध के फिर घटना की जानकारी पुलिस हाँ पहुँची थी